ऑलराइट, सो गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप लोगों ने पहला ब्लॉग तो देखा रहेगा, मॉडिफिकेशन सीरीज चालू हो गई है हमारी, और आपने तो उसमें देखा रहेगा विंगलेट, हमारा लीवर गार्ड, बाद में जो छोटे मोटे चीज़ें थे वो सब हमने कराए थे। तो अभी मेजर डिफरेंस आज हम लोगों ने किए थे, हमारे ऑर्डर मतलब ऑलरेडी ऑर्डर कर चुका था मैं, आज हमको डिलीवरी मिली है हमारे मिरर की। तो मिरर दिखा देता हूँ पहले, ये आ गया हमारा मिरर, फुल क्लास। ये कुछ ऐसे दिखेंगे, ये जो आपने देखे रहेंगे आजकल ये बहुत चल रहे हैं, जो H2 जैसे दिखते हैं मिरर, तो अभी आज वो इंस्टॉल करने वाला हूँ मैं। और ये मिरर निकल जाएंगे अभी हमारे यहाँ से, ये दोनों भी निकाल दूँगा और ये ऐसे आएंगे, फुल H2 वाला लुक देंगे अभी हम। तो चलो, वैसे तो गाड़ी हमारी सेट करके रख चुका हूँ मैं, पैडॉक पर भी लगा दिया, और तब तक सो जा था चेन क्लीन, वैसे ही मेरे को याद नहीं रह रहा था चेन क्लीन कराने, तो चेन क्लीन कराने के लिए भी अभी डीजल मार के रख दिया हूँ। तो जब तक ये ब्लॉग हमारा बन रहा रहेगा, हमारी चेन भी क्लीन हो जाएगी। तो चलो इसको इंस्टॉलेशन करना चालू करते हैं। और एक अपडेट आपको बताता हूँ, क्या ये अगर किसी को ऑर्डर करना है तो मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, लिंक शेयर कर दूँगा उसके अंदर, तो आप लोग अगर ये ऑर्डर करने का रहेगा तो आप लोग इजीली ऑर्डर कर सकते हो, कुछ 4 से 5 दिन में आ जाता है और रीज़नेबल प्राइस में आता है। प्राइस मैं अभी जैसे डिस्क्लोज नहीं करने वाला, प्राइस बताता हूँ मैं आपको कैसे, मगर सॉर्टेड चीज़ है। अरे ये कहाँ से आई। तो चलो इंस्टॉलेशन चालू कर देते हैं। तो सबसे पहले मिरर ओपन करने के लिए हमें चाहिए एलन की, जो कि 5 नंबर की आती है। तो ये 1, 2 और ये 3, 4, ये बस बोल्ट ओपन करने और बस एकदम प्लग एंड प्ले, बस ये निकालना है और बस दूसरा लगाना है हमको। और मैं एक पहले कैमरा की तरह सेट कर देता हूँ और फिर पूरा इंस्टॉलेशन दिखाता हूँ आप लोग को। ओके, तो मिरर हटा के तो हो गया हमारा, और बिना मिरर भी बाइक मस्त दिख रही है। देखो सामने से क्या लुक आ रहा है इसका। तो अभी बस ये वाला पोर्शन ये इंस्टॉल करने के, इसके अंदर हम लोग को ये बोल्ट्स मिलते हैं इसके, एलन की भी इसके साथ में ही आता है, और बस ये रबर जो बीच में ग्रिप देने के लिए रहेंगे। तो चलो एक एक करके सब इंस्टॉल कर लेते हैं। तो एकदम सिंपल है ये लगाना, इसके साथ इसके लिए एक ब्रैकेट के लिए आता है कवर, जिससे बाइक पे स्क्रैच नहीं आएगा, और इसको बस एडजस्ट करना है इधर, ये गैप एक बार नोटिस कर लेना, जब दोनों इक्वल रहेगा तभी यूज़ करना उसको, और बोल्ट उसमें साथ में ही आते हैं। तो अभी ये टाइम आ गया ये वाले मिरर इंस्टॉल करने के। तो इसके बारे में एक बात बता देता हूँ कि इसमें जो ऑलरेडी सॉकेट रहते हैं ना, उसमें RR3D में फिट नहीं हो पाता है वो, तो मैंने अभी वो ड्रिल मशीन से वो सॉकेट जो बड़ा किया हो, ताकि वो बराबर ये गैप में लग जाए। तो इतना याद रखना कि वो कराना पड़ेगा पहले, और बस बाकी फिर क्या, अभी प्लग एंड प्ले। तो फाइनली इतनी मगजमारी करने के बाद हमारे मिरर इंस्टॉल हो गए, और सबसे मेन पार्ट यहाँ से मिरर में पीछे भी देख पाओगे, तो लुक के साथ साथ
काम भी हो रहा है। बाकी क्या लुक आ रहा है यार बाइक में, एक बार पीछे से लुक देख लो पूरा, तो कुछ ऐसे दिखेगा अभी बाइक। नॉर्मली हम तो ऐसे ही रखने वाले इसको। सो दैट्स इट गाइस, आई होप आज का ब्लॉग आपको हेल्पफुल लगा होगा और आज के ब्लॉग में कुछ नया मिला है देखने के लिए। और अगर आपको ये बाय करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा इसके बारे में, तो आप लोग डायरेक्टली लिंक से बाय कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। इफ़ यू एंजॉय टू लाइक शेयर कमेंट, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे ही और मॉडिफिकेशन आने वाले, पूरी हम लोग बाइक मॉड करने वाले ये। तो बस, दिस इज शहबाज साइनिंग ऑफ।